हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारियाँ देने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियाँ पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। इतना ही नहीं, यहीं से दुनिया में फैशन की शुरुआत होती है। एक ऐसा देश जहाँ सिर्फ 20 मिनट के लिए कोई राजा बना था, और एक ऐसा देश जहाँ मरे हुए इंसान से भी कोई चाहे तो शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े देश फ्रांस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि फ्रांस का ऑफिशियल नाम है फ्रेंच रिपब्लिक। देश के कुल आबादी की बात की जाए तो यह है तकरीबन 6,71,00,000 के आसपास, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ 119 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे देखने को मिल जाते हैं। देश के ज्यादातर लोगों को शहरों में रहना पसंद है, और कुल आबादी में से 82% लोग शहरों में ही रहते हैं, वहीं सिर्फ 18% लोग ही गांवों में रहते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए? ये फ्रांस ही है। यहाँ सबसे ज्यादा सैलानी इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के नज़ारे और यहाँ का मौसम सबसे कमाल का है। हर साल फ्रांस में 7 से 8 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। इतना तो इस देश का पॉपुलेशन भी नहीं है जितने लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। यही बात फ्रांस को दुनिया का सबसे स्पेशल देश बनाती है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि किस देश की लड़कियों को सबसे ज्यादा स्टाइलिश और सबसे ज्यादा फ्रेंडली माना जाता है? इसमें भी फ्रांस ही सबसे ऊपर है। ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि फ्रांस की लड़कियां स्टाइल के मामले में सबसे आगे होती हैं। दुनिया में हर फैशन की शुरुआत फ्रेंच कैपिटल पेरिस से होते है। यहाँ से ही ट्रेंड स्टार्ट होता है हर एक फैशन का। फ्रांस में एक से बढ़कर एक ऐसी प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो कि आर्मरी बनाती हैं। यहाँ की कंपनियां एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपको याद हो तो हमारे देश ने भी फ्रांस के साथ अभी हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ी डील की है जिसके तहत भारत को रफाल जेट मिला है। ये दुनिया का सबसे अपडेटेड वर्जन है फाइटर प्लेन्स का, जिसके डर से पाकिस्तान और चीन दोनों ही मुंह छुपा के शांत बैठे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन है जिसे सेंटर स्पेशियल गायनीज के नाम से जाना जाता है। विल, इसमें कोई शक नहीं है कि फ्रांस एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, इसीलिए तो इसे यूरोप का सबसे अमीर देश माना जाता है। साथ ही ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। फ्रांस इसलिए इतना अमीर है क्योंकि देश का टूरिज्म सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ साल भर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है जिससे देश को बहुत मुनाफा होता है। साथ ही एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज भी यहाँ के लोग लाते हैं, और उनके सफल हो जाने पर उन्हें दुनिया के मार्केट्स में बेच देते हैं। साथ ही मशीन्स बनाने के मामले में भी ये देश सबसे आगे है। क्या आपको पता है कि पेरिस शहर में कुल मिलाकर 6600 गलियां हैं? लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी गलियों के होने के बावजूद कभी यहाँ जाम नहीं लगते। ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमारी तरह बिना बात पे चिल्लम चिल्ली नहीं करते। इस बात का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि फ्रांस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जी हाँ, ये लड़कियां हूर की परियों से कम नहीं होती। नशे से चढ़ जाती है बहुत सारे लोगों को यहाँ की लड़कियों को देख के। बाहरी खूबसूरती के साथ इनकी अंदरूनी खूबसूरती भी काबिले तारीफ है। लड़कियाँ आसानी से सबसे घुल मिल जाती हैं और सब लोगों से बड़े कायदे से पेश आते हैं। साथ ही प्यार करने के मामले में भी हैं ये सबसे आगे। यहाँ की लड़कियाँ बहुत रोमांटिक मिजाज की होती हैं और दो मीठे बोल सुनकर ही प्यार में पड़ जाते हैं। ये इतनी अच्छी होती हैं कि आपको कब इनसे प्यार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपको सलाह देते हैं कि फ्रांस के सफर पे निकलने से पहले अपने दिल पे काबू पा लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकते हैं। दोस्तों एक और चीज बहुत कमाल की है फ्रांस में, और वो ये है कि इस देश की महिलाएं सबसे ज्यादा साल तक जिंदा रहती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाएं अपनी फिटनेस को सबसे ऊपर रखते हैं। यह हर रोज दिन में कम से कम एक बार एक्सरसाइज करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए पार्क या किसी गार्डन का सैर जरूर करते हैं। शायद यही वजह है कि ये इतनी खूबसूरत होते हैं। दोस्तों फ्रांस की सरकार ने 2016 में एक बहुत ही कमाल का नियम बनाया जिसके अनुसार अगर कोई भी इंसान जो कि किराए का स्टोर चला रहा है उसे अपना सामान बेचने का तो पूरा हक है, लेकिन अगर गलती से भी उसका कोई खाने पीने का सामान मार्केट में नहीं बिका तो उसे फेंक नहीं सकता। उन्हें बचा हुआ खाना गरीबों में दान करना होता है। इस तरह के नियम हमारे देश में भी होने चाहिए ताकि जो लोग खाना खाए बगैर ही सोते हैं, ताकि कम से कम उनमें से कुछ लोगों के पास तो खाना पहुंच सके। दोस्तों क्या आपने कभी द टूर डी फ्रांस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह है दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस। इस इवेंट को दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स में से एक माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दुनिया के चुनिंदा साइकिलिस्ट फ्रांस आते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ के नज़ारे देखने लायक होते हैं जब हजारों की संख्या में साइकिल्स फ्रेंच कंट्री साइड से होकर गुजरते हैं। अगर आप भी हैं अच्छे साइकिलिस्ट तो अपनी किस्मत यहाँ आजमा सकते हैं। फ्रांस के लोगों के बीच में वाइन पीना बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको हर इंसान खाने के साथ साथ रेड या व्हाइट वाइन पीते हुए हमेशा दिखेंगे। जैसे हमारे देश में पानी पीते हैं वैसे ही फ्रांस के लोग वाइन पीते हैं।
फ्रांस के लोग सिर्फ वाइन पीते ही नहीं है बल्कि यहाँ पर वाइन का बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन भी होता है और उत्पाद करने के साथ साथ दुनिया के कई देशों में फ्रांस से वाइन एक्सपोर्ट भी की जाती है। फ्रांस से सबसे ज्यादा वाइन साउथ अमेरिकन देशों में भेजी जाती है और साथ ही यहाँ से एशिया के भी कई देशों में वाइन की सप्लाई की जाती है। अब बात आती है मस्ती और पार्टी करने की, तो फ्रांस के लोग कभी पीछे नहीं रहते। फ्रांस में हर वीकेंड में जमकर पार्टी की जाती है। बार क्लब्स तो होते हैं पार्टी करने के लिए, लेकिन यहाँ लोगों का मन इससे भी नहीं भरता। ये माहौल में इतने खो जाते हैं कि कब पार्टी बार से रस्ते तक चली जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ पर तो रात के समय सैकड़ों की संख्या में लोग आपको सड़कों पे ही डांस करते हुए और दारू पीते हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस का लोअर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। ये म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप सभी आर्ट पीसेस को सिर्फ 30 सेकंड भी देखते हैं तो आपको पूरे म्यूजियम को देखने में लगभग 100 दिन लगेंगे। पेरिस के इसी म्यूजियम में दुनिया के सबसे फेमस आर्टवर्क्स में से आधे मौजूद हैं। इनमें से लियोनार्डो दा विंची का द मोनालिसा और थियोडोर गैरिकाउल्ट का द राफ्ट ऑफ द मेडूसा जैसे आर्टवर्क शामिल हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि फ्रांस के एक राजा जिनका नाम था लुइस फिलिप, वो सिर्फ 20 मिनट के लिए ही राजा बने थे। दरअसल हुआ ये कि राजा लुई फिलिप के पिता पर हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। पिता के जाने के तुरंत बाद और कोई न होने के कारण लुई फिलिप राजा बना था, लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए। दोस्तों, ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी कि फ्रांस बहुत क्रिएटिव देश है और इसीलिए यहाँ के लोगों के दिमाग में नई नई चीजों का आविष्कार करना सबसे पहले आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन फ्रांस में 400 से ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी तो आज ये देश इतना आगे निकल गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। पूरे शहर में आपको हर जगह सुंदर लाइट्स नजर आएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बहुत ही कमाल की सुविधा है। एक टूरिस्ट कंट्री होने के कारण फ्रेंच गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन में खासा ध्यान दिया है ताकि टूरिस्ट को कोई परेशानी ना हो। आपको फ्रांस में जहाँ कहीं भी जाना है आप आसानी से पहुँच सकते हैं। ये बात तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि फ्रेंच कैपिटल पेरिस में है वर्ल्ड फेमस आइफिल टावर, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अपने खेत की मूली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा ही एक वाकया आइफिल टावर को लेकर भी हुआ था। बात दरअसल ऐसी थी कि फ्रांस के एक नॉवलिस्ट गाय डे मॉपसांट को इस वर्ल्ड फेमस टावर से खासी नफरत थी। इसकी वजह ये थी कि ये टावर पेरिस की हर जगह से दिखाई देता था। अगर धूप चेक करने के लिए सर ऊपर उठाए तो धूप की जगह पहले ये टावर दिख जाता है, जिससे परेशान होकर इस फ्रेंच राइटर ने इस टावर के नीचे के रेस्टोरेंट में खाना शुरू कर दिया ताकि ऊपर मुंह उठाने पे टावर ना दिखे। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा मैकडॉनल्ड्स कहाँ है? अब फटाक से कहेंगे अमेरिका, जो कि बिल्कुल सच है, लेकिन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस। यहाँ के लोगों में मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना बहुत पॉपुलर है और इसी वजह से फ्रांस में मैकडॉनल्ड्स कंपनी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं। वेल, खाने की बात चली रही है तो बता दें कि फ्रांस में आपको कभी भी चीज की वैरायटी की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर 400 से अलग अलग वैरायटी का चीज मिलता है। यहाँ का चीज कई लोगों की नजरों में इटली से भी ज्यादा मजेदार होता है। साथ ही फ्रांस अपने ब्रेड के लिए भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ का ब्रेड बहुत सॉफ्ट और फ्लफी होता है। वैसे तो यहाँ ब्रेड की भी कई वैरायटी मिलती है, लेकिन सबसे पॉपुलर है बगूटी नाम का एक ब्रेड। और एक चीज जो फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं वो है स्नेल्स, यानी कि घोंघे, जिसे फ्रेंच में स्कारगॉट कहा जाता है। यहाँ के लोग साल में करीब 25,000 टन स्नेल खा जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार फ्रांस का एक बंदा साल में अकेले ही 500 स्नेल्स खा जाता है। वैसे तो यहाँ इन स्नेल्स को खाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे बटर और गार्लिक में पकाकर खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंच लोग अक्सर छुट्टी के मौके पर स्नेल्स को एक डेलिकेसी के तौर पे खाना पसंद करते हैं। लेकिन फ्रांस में कोई भी जिंदा घोंघे ट्रेन पर लेकर नहीं जा सकता जब तक उन घोंघों की टिकट ना हो। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि घोंघे को भी टिकट लगती है भला? फ्रांस में तो बिल्कुल लगती है भाई, अगर उनका वजन 5 किलो से ज्यादा हो तो। फ्रांस के लोगों में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत क्रेज है और इसी जुनून के साथ फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत ही स्ट्रांग है। फ्रांस की ये फुटबॉल टीम दिन रात मेहनत करते हैं और सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर अपने देश के लिए जान लगा देते हैं। अब यकीन करें ना करें, लेकिन फ्रांस के लोगों का विश्वास भगवान में बहुत कम है। इस देश के 44% लोग नास्तिक हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि ये अपनी जिंदगी खुद ही जीते हैं और कोई दुनिया में ऐसी ताकत है ही नहीं जो इन्हें कंट्रोल कर सके। लोगों के लिए कर्म ही धर्म है, इसलिए ये सिर्फ अपने काम में ध्यान देते हैं। वैसे देखा जाए तो बात सही भी है, काम सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सबके लिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर बात आती है सेफ्टी की तो फ्रांस को दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहे किसी शहर में रहते हो या गांव में,
आपको रात में भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में कभी कोई खतरा महसूस नहीं होगा। खूबसूरत होने के साथ साथ ये भी एक वजह है कि इस देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि यहाँ पर वो खुलकर देश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा देश फ्रांस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको फ्रांस की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो फ्रांस, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।